कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे हरे कृष्णा। ये बच्चों को सामने मत बैठाया करो। किसके बच्चे हैं? हाँ पीछे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महात्मा। कहते जब भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके चले जाते हैं कहते अपने आप को कहाँ रख कर गए? बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। अगर ये कलयुग में कोई व्यक्ति ये भागवत कथा को श्रवण करे तो भागवत कथा सुनना और श्री भगवान कृष्ण से मिलना कोई फर्क नहीं। कथा सुनना मतलब है ठाकुर जी से हम मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कलयुग में ठाकुर जी चार स्थान में रहते हैं। बोले कहाँ कहाँ पर रहते हैं? ध्यान देकर सुनो। आज सुनाऊंगा कल तुमसे सुनूंगा, इधर उधर मत देखा करो। जो बोलेगा इनाम दूंगा। भगवान कलयुग में चार ही जगह पर रहते हैं। बोले कहाँ कहाँ पर? बोले पहला नंबर है कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। कहते ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें द्वादश स्कंद में प्रथम और जो द्वितीय स्कंद है बोले पादो यदि प्रथम द्वितीय दुर्ज्य कथित तत्रु। बोले बांके बिहारी की दो चरण प्रथम और द्वितीय स्कंद और ठाकुर का दो जंघा तृतीय चतुर्थ स्कंद। कहते जो पंचम स्कंद षष्ठ स्कंद ये ठाकुर को दो भुजाएं, अष्टम स्कंद भगवान की बख्य स्थल, नवम स्कंद भगवान की कंठ, दसम स्कंद ठाकुर जी के मुखार बिंद, एकादश स्कंद ठाकुर जी के ललाट और जो द्वादश स्कंद भगवान की सर। इसलिए कलयुग में भगवान का निवास कहाँ पर है? कहते ये श्रीमद् भागवत में पहला नंबर, याद रखना। दूसरा नंबर में कहाँ पर? दूसरा नंबर में कि जो तुलसी वृक्ष है, हम कहते ना चलो वृंदावन चलो। बोले क्यों? बोले बांके बिहारी वृंदावन, वृंदा मतलब होता है तुलसी और वन मतलब होता है वन। जहाँ तुलसी का वन वहीं श्री बांके बिहारी का निवास। कितना स्थान हो गया? दो स्थान हो गया। तीसरा नंबर कहते जो भगवान की शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में ठाकुर का निवास है। वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, ये तीसरा नंबर हो गया। बोले चौथा नंबर कहाँ पर? बोले जो गंगा, ये जो गंगा है ये भगवान के चरण से निकली है और भगवान की चरण और भगवान में कोई फर्क नहीं। इसलिए जब श्री परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया, उन्होंने श्री गंगा को उन्होंने आश्रय लिया क्योंकि गंगा और भगवान के चरण में कोई फर्क नहीं। कलयुग में भगवान का निवास चार स्थान में हो गया। बताओ तो कहाँ कहाँ पर? शुरुआत में और हाँ बस याद कर लिया। ताली बजा एक बार। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ऐसे भक्ति की पांच अंग हैं। ये पांच अंग में अगर एक अंग अगर कोई श्रद्धा पूर्वक जाजन कर ले उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसको भी याद रखना। पांच क्या चीज है?
पहला नंबर है भागवत कथा सुनना। ये भागवत कथा श्रवण की इतने महिमा है। सुतो गोस्वामी कहते हैं बोले श्रुत अनपठित ध्यात आद्रितवा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह भी। कहते एक व्यक्ति जितने कितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, अगर किसी ने ये विश्व को द्रोह किया, नहीं तो देवताओं को भी हिंसा द्वेष किया, जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, अगर कोई ये भागवत कथा को सुने, अगर सुन नहीं सके, अगर कोई पढ़े, अगर ये भी नहीं कर पाए, जहां पर ये कथा हो रही है, एक बार अगर सच दिल से कोई बोल दे भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। अगर किसी ने इतना भी बोल दिया, वो जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, सारे पाप से मुक्त होकर के भगवान के धाम को गमन करता है। कहते एक नंबर पहला, इसको याद रखना। दूसरा नंबर है साधु संग। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सतसंग विवेक ना होई और राम कृपा बिनो सुलभ ना होई। इसलिए साधु संग की इतने महिमा। कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्यात तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध। अगर थोड़ी सी अगर कोई जीवन में सत्संग कर ले तो बस उसको बेड़ा पार हो जाएगा। कितना हो गया? दो हो गया। तीसरा है ठाकुर जी को जो हम सेवा करते हैं, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी की कोई सेवा करे, बस उसका भी कल्याण हो जाता है। कितना हो गया? तीन। चौथा है अगर श्री वृंदावन धाम में अगर कोई वास करे, उसका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए साधु संग और श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन और कहते भागवत श्रवण, साधु संग और क्या रह गया बताओ? कहते मथुरा वास व वृंदावन वास। कहते अगर थोड़ी सी ये पांचों में अगर थोड़ी सी कोई एक भक्ति को कोई जांचन कर ले, उसको बेड़ा पार हो जाएगा। हैं? बेड़ा पार हो जाएगा। अभी भगवान ये भागवत रूप में क्यों आए? जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं अर्जुन जब जब ये पृथ्वी के ऊपर में गो माता ऊपर में स्त्रियों को ऊपर में साधु संत इनको ऊपर में अत्याचार होता है, तब तक मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ और संतों को मैं पालन करता हूँ। इसलिए ठाकुर जी कभी मत्स्य अवतार लिए, बोले क्यों? बोले ये वेद उद्धार करने के लिए। भगवान कभी कुर्म अवतार लिए, बोले किस लिए? कहते ये समुद्र मंथन का समय में। ठाकुर जी कभी बराह अवतार लिए, ये पृथ्वी जब रसातल में चली गई थी उन्होंने उद्धार किया। भगवान कभी वामन अवतार में ठाकुर जी उन्होंने बलि महाराज को कृपा किया। कभी नरसिंह अवतार में भगवान प्रहलाद महाराज को रक्षा करते हैं। कभी रामा अवतार में रावण को उन्होंने वध किया। कृष्णा अवतार में कंस को वध किया। जैसे भगवान युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को पालन करते हैं, कहते कली युग में विशेष करके भगवान किस रूप में आए? बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में आए, आकर के उन्होंने जीवों को कल्याण किया। पर जय कर दो बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। जोर से थोड़ा बोलो। आज प्रसाद तैयारी, आपको पेट भर के प्रसाद मिलेगा। लेकिन जो कल लगता है थोड़ी गड़बड़ी होगी, आज गड़बड़ी नहीं होगी। आज एक घंटा पहले ये गेट को हम बंद कर देंगे। पहले जो कथा श्रवण करने के लिए आए, पहले उनको प्रसाद मिलेगा, उसको बाद में सबको मिलेगा, लेकिन कथा सुनने वालों को पहले मिलेगा। ठीक है, एक बार जोर से जयकार दो बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भागवत कथा की महिमा। हमारे टीकाकार लोग कहते हैं अगर किसी ग्रंथ की महिमा को समझना चाहते हो, वो ग्रंथ को ऊपर में
चार विषय पर विवेचना करनी चाहिए। पहला नंबर है ये भागवत कथा को कौन श्रवण कर सकते हैं। कहते भैया ये कथा को सभी नहीं सुन सकते हैं, बोले बहु जन्म समर जीते ना सात संग चलभते पुरुष जता हुई। कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का अगर कोई पुण्य संचय हो, कहते वही व्यक्ति ये भागवत कथा को श्रवण कर सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हमने तो कोई पुण्य नहीं किया, जिंदगी भर हमने पाप ही पाप कर्म किया, फिर ये क्या भागवत कथा को हम श्रवण नहीं कर सकते हैं। इसलिए भागवत में कथा आती है ये धुंधुकारी गोकर्ण की कथा आती है। कहते ये धुंधुकारी पहले ये आत्मदेव का पहले संतान नहीं था, इसलिए बड़े दुखी थे घर में एक बेटा हो जाए और जो कुछ करे, कहते जो कुछ करे घर में कोई अगर फल भी लाए ना वो फल भी सड़ जाती है, कोई गैया को लाए तो गैया बांझ हो जाता है, कोई पेड़ भी लगाए पेड़ में फल भी नहीं आता है, अगर अपना पूर्वजों को कोई पिंड भी दे वो बड़े दुखी होकर के पिंड लेते हैं, जैसे कोई गर्म चीज देते हैं, हैं? बड़े दुखी है इतने, क्योंकि उसने किसी चीज की कमी नहीं थी। देखने में द्वितीय की वह भास्कर देखने में बड़ा सुंदर था, पत्नी बड़ी प्यारी, पैसा की कमी नहीं, लेकिन कमी नहीं रहने पर भी लेकिन घर में बेटा नहीं। बोले बेटा क्यों नहीं, देखो ध्यान देकर सुनो, बड़ा कंजूसी, बड़े कंजूसी, पैसा है लेकिन पैसा को कहते लक्ष्मी, अगर ये लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में नहीं लगता है ना, आप देखना जितने घर में पैसा हो जाए कहीं ना कहीं अनहोनी होती रहेगी, कहीं ना कहीं झगड़ा झांटी होती रहेगी, घर में शांति सुख नहीं मिलेगी, बड़े कंजूसी, एक पैसा भी हाथ से निकल नहीं, इतने कंजूसी थी, इसलिए घर में संतान नहीं, बड़े दुखी। एक दिन आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए, भगवान ने देखा घर में तो किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन केवल एक चीज की कमी, संतान नहीं। अरे संतान नहीं चिंता क्यों करते हो, घर में गोपाल जी है ना, किसको किसको घर में गोपाल जी है, हैं? भगवान को अपना बेटा मान लो ना, जितने एनर्जी तुम बच्चे में लगा रहे हो अगर थोड़ी सी एनर्जी अगर ठाकुर को सेवा में लगा दो तुम्हारी बेटा पार हो जाएगी। बताओ ठाकुर जैसे कोई बेटा हो सकता है, ये बच्चा किसका है, गोद में लोग बेटो ऐसे नहीं करना, इसलिए बोले भगवान को ही अपना बेटा मानना। तो देखो सही बात सुना रहा हूं, ये वृंदावन में एक बूढ़ी माता जी थी, उसको कोई संतान नहीं था, उसने जिंदगी भर गोपाल जी को ही अपना बेटा मान लिया, दिन भर उसको खिलाती है पिलाती है नहाती है जैसे बच्चे को करती है, उसको सुलाती है, कभी कभी गोद में लेकर भी सोती है। लेकिन अभी उसने बूढ़ी हो गई, लेकिन जब उसने बूढ़ी हो गई उसने जिंदगी भर तक ठाकुर को सेवा की, है बता उसकी सेवा कौन करेगा, कृष्ण स्वयं करते थे, कुएं से पानी भर कर लाते थे, मार्केटिंग करते थे, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाया करते थे, क्यों, ठाकुर स्वयं कहते हैं जो जिंदगी भर मेरी सेवा करेगी जब वो असमर्थ हो जाएगी उसका सेवा मैं स्वयं करूंगा, उसका सेवा मैं स्वयं करूंगा। इसलिए संतान नहीं तो कोई दुखी मत हो, ठाकुर जी को ही अपना बेटा मान लो। हमारी संप्रदाय में हमारे हमारे कहां पर कहते मथुरा में एक चौबे ने थी जो चार ही वेद को जानने वाले, ठाकुर जी उसको एक बेटा था, लेकिन ठाकुर जी को इतने प्रेम करते थे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी स्वयं विग्रह स्वयं प्रकट हो जाते थे, उसको बेटे को साथ में गुल्ली डंडा खेलते थे, हैं? अगर कोई एक हार जाएगा तो पन रहता था, अगर तू हार जाओगे तेरे घोड़ा बनना पड़ेगा, ठाकुर उसकी बच्चे को कंधे पर बैठा कर घोड़ा बना कर ले जाते थे ठाकुर। अगर ठाकुर जी को सेवा करोगे ना, ठाकुर जी सब कुछ करने के लिए तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए ठाकुर जी तैयारी होती है, ठीक है ना। लेकिन वो दुखी है, उसको पुत्र की मोह चढ़ा हुआ, रो रहा था, आत्महत्या करने के लिए गए। जब ठाकुर जी किसको पर कृपा करते हैं, ठाकुर जी दो रूप में आते हैं, एक तो ब्राह्मण रूप में आते हैं, नहीं तो ठाकुर जी संत रूप में आते हैं। ठाकुर जी ने देखा बेटा बड़ा दुखी है, कितने में ठाकुर जी एक संत का रूप बना करके उसको पास में आए। बोले बेटा क्यों रो रहे हो, बोले घर में कोई संतान नहीं। बोले कोई बात नहीं, संतान नहीं तो भगवान की भक्ति करो, भगवान को ही बेटा मान लो,
हैं, इसलिए तुम विरक्ति, देखो संसार में शांति सुख नहीं, इसलिए अगर शांति सुख है ना, विरक्ति से ही शांति है, आसक्ति से शांति सुख नहीं बेटा, तुम भगवान की भक्ति करो, भजन करो। बोले तो बाबा लोग तुमको क्या पता है संसार में क्या सुख है, जब घर में काम करके बाहर से आता है, बच्चे जब पापा पापा मामा मामा बोलते हैं, कितना आनंद लगता है, कितना सुख है, तुम्हें क्या बताए। कहती ये संतों का जीवन निराश है, हैं कोई आनंद, दिन भर बीवी नहीं, बच्चे नहीं, दिन भर माला लेकर के बोल हरे कृष्ण करते रहते हो, इसमें क्या आनंद है। इतने में संत ने बोले देख बेटा, बेटा नहीं हो एक दुख है, लेकिन देखा अगर बेटा हो करके तुम्हारी बात नहीं सुनता है, वो जिंदगी भर दुख देता है, जिंदगी भर वो दुख देता है, इसलिए समझाए, लेकिन वो समझा नहीं। जब समझा नहीं, इतने में संत ने कहा देखो मैं तेरे ललाट को पढ़ करके देख रहा हूं, एक जीवन किया तेरे सात जन्म तक भी कोई बचा होने वाला नहीं। इतना जब बोले, उनकी चरण पकड़ करके रोने लग गए। बोले जब ये बात को बता सकते हो, मेरा दुख तो एक गुण दुख था, तुमने मेरे सात गुण दुख को तुमने बढ़ा दिया, कह रहे हो सात जन्म तक बेटा नहीं। बोले जब ये चीज को आप पढ़ सकते हो भैया, जो ना करे लकड़ी सो करे ठकरी, इसने चरण पकड़ करके बोले मेरे को कोई बेटा दो, नहीं तो आपको सामने आत्महत्या करूंगा। बोले राम 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 राम, कहां अच्छे रास्ता में चल रहा था, कहां फंस गया। बोले ठीक है लो, तो उन्होंने एक फल को लेकर के मंत्र पुत्र करके दे दिया। बोले अपना पत्नी को खिला देना, देखो अपना पत्नी को बोला ना लड़ाई झगड़ा नहीं करे, लेकिन वो इतने कलह प्रिय थी, सवेरे उठ करके जब तक चार पांच घर में तू तू मैं नहीं कर ले, झगड़ा नहीं करना, पेट का रोटी हजम नहीं होती थी उसकी, हैं ऐसे झगड़ा करने वाली थी। बोले पत्नी को बोल देना झगड़ा नहीं करे, गर्भ जब बच्चा हो गीता रामायण भागवत को पढ़े, हैं सदाचार को अवलंबन करे, तुम्हारी एक सुंदर बेटा होगा। ए बड़े खुश हो गया, बस खुश होकर घर में आए। बोलो भाग्यवती सुनती हो, उसने सोचा लगता है कोई तो मोटा कोई माल मिला, दक्षिणा मिला, इसलिए पंडित आज बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर के आए। बोले क्या बात है, सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रहे हो, हैं क्या लेकर के आए हो। बोले देख मैंने इतना सुंदर के फल लेकर के आया हूँ। बोले फल लेकर के आए और इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो, मैं तो सोच रही थी कोई नवलखा हार लेकर के आए हो तुम। इतने में बोले देख ये जो फल है ना, वो साधारण फल नहीं, ये फल खाने से बेटा होगा। बोले ये फल ले ले, सुंदर एक बेटा जन्म लेगा, लेकिन उसका नाम ही थी धुंधली, धुंधली मतलब क्या अंधकार अज्ञान है। वो संतों का दिया हुआ वस्तु को क्या उसको महिमा जानती है, वो तो तरह तरह का प्रपंच करने लग गई, ये भगवान ये कहां से फल ले आए। कहते फल खाने से बेटा होगा, कहते गर्भ में बच्चों को धारण करना ये पुरुषों को क्या पता है, ये माताओं को पता है। मैंने सुना ये सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक गर्भ में रहे। आप लोग गर्भ में बच्चा धारण किए होंगे, 9 महीना धारण कर तो कितना कष्ट लगता है, अगर कोई बच्चा अगर 16 साल तक रह गया तो फिर तो बढ़िया बढ़िया खा नहीं सकती हूँ, अगर गांव में डाका पड़ गया तो फिर भाग नहीं पाऊंगी, फिर मैं भाग नहीं पाऊंगी, फिर मैं जो बड़े कष्ट से दो चार चीज को जो इकट्ठा करके मैं लाई हूँ, फिर ननद आएगी ना, बस सब चुरा करके लेकर चली जाएगी, हैं वो तरह तरह से तो मंत्रणा करने लग गई। इतने में उसकी उसकी सहेली आई, बोले क्या बात है, उसको बहन ही आई, बोले क्या बात, बोले ये बात, बोले चिंता क्यों करते हो, तेरे घर में खाने वाले कोई नहीं और मेरे घर में खिलाने के लिए कुछ नहीं, मेरे पति बड़ा गरीब है, माता जी वो बच्चों को बांध ले जा, कहाँ चली गई कि नहीं, इसलिए फिर यहां बैठ गई, ले जाओ जब चुप हो गया ले आना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, इतने में बोले देख मेरे पति को पास में पैसा नहीं, तेरे पति को पास में बहुत पैसा है,
थोड़ा पैसा मेरे पति को दे दे और ये काम कर, ये बाबा सही दिया ना झूठा दिया उसको परीक्षा करने के लिए गैया को खिला दे, फिर पता चल जाएगा। और तू पेट में कपड़ा बांध करके झूठ मूठ का बहाना बनाकर सोते रहो। अगर है तुम पति को बोलना मेरे पेट में बच्चा है, जब मेरे पेट में बच्चा होगा ना रात रात छुपा करके दे जाऊंगी, फिर हल्ला मचा देना मेरे लाला भाई हो गए। बस उसने तो ऐसे ही हल्ला मचा दिया मेरे लाला भाई हो गए। क्यों? उसका जो बहन ला करके उसने बच्चे को दे दिया। ब्राह्मण तो खूब नाचे खूब कूदे, बोले क्यों? पर मेरे लाला भाई हो है। लेकिन भगवान की एक देन है, देखना जब तक गर्भ में बच्चा नहीं आता है ना तब तक स्तन से दूध नहीं उतरती है। लेकिन जब बच्चा आए फिर माताओं के स्तन से फिर दूध उतरती है। अब उसको दूध में कोई स्तन में कोई दूध नहीं। उसने बोले ब्राह्मण जी को, बोले आप तो खूब नाच रहे कूद रहे हो लेकिन मेरे स्तन में दूध नहीं उतर रही है। बोले भैया मेरे को क्या पता, तुम्हें कोई पता होगा है। इतने में बोले देखो मैंने सुना है मेरी जो बहन है ना उसको भी घर में के बेटा हुआ है, अगर आप बोलोगे मैं उसको बुला करके ले आऊं अपना बच्चे को पालना करेगा। बोले कोई बात नहीं मासी है, माँ जैसे, इसलिए कहते ना मासी माँ जैसे। अभी जिसका बेटा था वही आ करके वो बच्चे को लालना पालना कर रही है। लेकिन लेकिन उसको घर में इतना दिन से वो जो गैया थी ना उसको कभी बच्चा नहीं हुआ, बांझ थी। लेकिन इतने में गैया ने बड़ा सुंदर एक राजकुमार जैसे उन्हें एक बच्चा जन्म दिया। पूरा शरीर तो इंसान जैसे, कान केवल गैया जैसे, दुनिया देखने के लिए आई। बोले भैया भगवान जब देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं हर बोल जोर से छप्पर फार करके ठाकुर जी देते हैं। घर में कोई था नहीं बच्चा और उसको अपना पर गैया भी बच्चा दिया। अब कान गैया जैसे कान, अगर तुम्हारी यहाँ पर ऐसे कोई गैया अगर इंसान को बच्चा देगा क्या होगा, पृथ्वी का सारे लोग उम्र पड़ेंगे। बोले गैया ने इंसान जैसे बच्चा दिया है। देखो एक छोटी सी कहानी सुन लो, भगवान किसे छप्पर फार कर देते हैं। एक समय दो पति पत्नी बड़े भजन आनंदी प्रभु की भजन में दोनों डूबे रहते थे। एक दिन उसका पति ने शौचक्रिया के लिए गया, शौचक्रिया के बाद में मिट्टी से हाथ धोते हैं। जब उसने मिट्टी उठाया वहां पर एक ढक्कन खोला, देखा बड़ा सुंदर एक मिट्टी का कलश और उसमें हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ था। इतने बोले राम 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 राम, सवेरे सवेरे माया के दर्शन हो गए। उसने आकर के अपना पत्नी को सारे बात बताया। लेकिन ठीक उसी समय में उसको घर में कुछ चोर चोरी करने पीछे आए थे। उन्होंने जब देखा अरे बड़ा बेकूब है, हीरे जवाहरात कलसी को उसने छोड़ करके आ गया। बोले बहुत अच्छा किया, चलो हम उसको उठा करके ले आते। जब वो गए वो कलसी का ढक्कन खोला ना, लेकिन ये तो संतत है, इनको दिखता था हीरे जवाहरात असरपियों से, लेकिन वो तो दुष्ट लोग थे। जब उसका ढक्कन खोले देखे जहरीले सांप बिच्छू ततैया भरा पड़ा हुआ। भला अरे तो बाबा बड़ा दुष्ट है, उसने हमें मरवाने के लिए अब बोल दिया हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ, चलो इसको उठा करके ले जाएंगे और उसको छत के ऊपर से ना उसको फेंकेंगे। और उसको उठा करके ले आए और छत के ऊपर में गए। पहले तो झोपड़ी होता था, उसने करत में काटे, इसको करत में काटे, काट करके वो जो कलश था कलसी था ना उसमें क्या था बताओ? अरे बस क्या था? हीरे जवाहरात था उसमें। लेकिन वो दुष्टों को ये सब दिखा, अरे ये संतत है ना, उसने ऊपर से कितना कष्ट से उसको करत से काटे और जब कलसी को उन्होंने फेंके, फेंकते ही कलसी टूट गई और घर में पूरा घर घर में हीरे जवाहरात एकदम बिखर गया, हीरे जवाहरात घर में बिखर गया। बोले भैया भगवान जब देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं ना छपर फाड़ करके देते हैं। बोले कोई बात नहीं हमने छोड़ करके आ गया, जब अपने आप आ गया चलो इसको सत्कार में लगाएंगे। अगर संतों को हाथ में पैसा आएगा तो क्या करेगा? भगवान की मंदिर बनाएगा, भंडारा करेंगे, सबको भगवान की प्रसाद खिलाएंगे। बोले चलो रोज भंडारा करो, हाँ ठाकुर जी को भोग लगाओ और सबको भगवान की प्रसाद खिलाओ। इसलिए दुनिया देखने के लिए आए, क्या देखने के लिए आए? उसको घर में
एक बेटा हुआ गोकर्ण, लेकिन एक तो संतों का आशीर्वाद, एक संतों का आशीर्वाद इसलिए गोकर्ण हुआ, लेकिन एक संतों को धोखा दिया। बोला धोखा दिया तो संतों को धोखा देने से फल थोड़ी अच्छा मिलेगा, इसलिए उसको जो बेटा हुआ, धीरे धीरे जब दोनों बेटे बड़े हुए, बोले गोकर्ण पंडित ज्ञानी और धुंधुकारी महाकाल। संतों का आशीर्वाद तो बढ़िया होगा ही, वो इतना दिव्य ज्ञानी बना गोकर्ण, बड़े ज्ञानी, लेकिन जो धुंधुकारी ना महादुष्ट बना, इतने दुष्ट उसने बना, किसी बच्चे को अगर कुआ के पास में खेलते हुए देखे धक्का मार कर कुएं में गिरा दे, दिन भर कुत्तों को साथ में रहा करता है, कुत्ते को साथ में खाता है, किसी घर में आग लगाना, जितने तरह का चोरी बदमाशी सारे गंदा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों बच्चे बड़े हुए, हाँ ध्यान देकर सुनो, ए बच्चों चुपचाप बैठ जाओ, इधर उधर नहीं, सब चुपचाप बैठ जाओ, मुंह में हाथ लगा करके नहीं तो निकाल देंगे। इसलिए अभी दोनों का नामकरण किया, देखो ध्यान देकर सुनो, ऐसे नहीं बच्चों का नामकरण करेंगे तो तुम्हारी मन में जो आ गया सो दे दो, टुल्लू बुल्लू टिंकी फिंकी हैं, जितने सब विदेश में कुत्तों का नाम पकड़वाते, नहीं, नियम है जो बच्चों का नामकरण करो किसी पंडित को पास में जाओ, जा करके उसका जो समय में एक उसी नक्षत्र में एक अक्षर होता है, वो अक्षर को पहले रखो, पहले रख करके ऐसे एक नाम रखो जो भगवान का नाम हो, नहीं तो उनको संतों का नाम, भगवान नहीं तो उनकी संतों का नाम होनी चाहिए। कम से कम जैसे बेटा का नाम हनुमान रख दिया, ध्रुव रख दिया, प्रहलाद रख दिया, कृष्णा नहीं तो राम नारायण नाम रखा, देखा ना, जब जितना बार तुम नाम लोगे ना, कहते भगवान के नाम जहां जहां गुंजेगा, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, जिहा से कम से कम ठाकुर का नाम निकलेगा, हमारे भी कल्याण है और दूसरा के भी कल्याण। हम आगे सुनेंगे, ये अजामिल बहुत बड़ा पापी था, लेकिन उसने छोटा बेटा का नाम नारायण रख दिया था, और उसने नारायण बोलते बोलते बेड़ा पार, नारायण बोलते बोलते बेड़ा पार हो गया, ठीक है ना। बच्चों का नाम इधर उधर नाम नहीं रखना, ठीक है, ठाकुर हो नहीं तो किसी संतों का नाम, ये नाम रखनी चाहिए। अभी धीरे धीरे बच्चे जब बड़े हुए, नामकरण संस्कार हुई, नामकरण संस्कार में जो गैया से जन्म लिया, गैया था गोकर्ण जैसे, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गो मतलब होता है इंद्रियां, जिसकी कर्ण, गो मतलब होता है वेद, गो मतलब होता है पृथ्वी, गो मतलब इंद्रियां, गो की बहुत सारे नाम है जिनकी कर्ण में केवल वेद ध्वनि को छोड़ करके और कोई प्रवेश नहीं करे। इतने में धुंधुकारी बोले देखो बेटा मैंने जन्म दिया, इसलिए बेटा का नाम मेरे नाम पर होनी चाहिए। बोले कैसे, बोले मेरा नाम धुंधुली, इसलिए बेटा का नाम होगा धुंधुकारी। धुंधली मतलब क्या जानते हो, धुंधला मतलब जैसे भी कोहरा है ना, जो धुंधलापन अज्ञान है, ये अज्ञानी, जब अज्ञानी, बताओ अज्ञानी का बेटा क्या होगा, धुंधुकारी। धुंधुकारी मतलब जानते हो क्या, बोले धूम धूम करोते इति धुंधुकारी, जो जीवन को दुखी 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 बना दे, इसलिए उसका नाम पड़ गया धुंधुकारी। लेकिन नियम क्या, बोले नियम है ऐसे एक नाम हो, बेटा कौन होता है, जो हमारे परंपरा को रक्षा करने वाली। देखो जैसे कृष्ण है, कृष्ण नाम कैसे हुआ, नियम है बेटा का नाम ऐसे हो, तुम्हारी पिता और उसकी पिता ये दोनों का नाम जुड़ा हुआ एक अक्षर नाम होनी चाहिए। जैसे कृष्ण, स्ना में जो न है उनको पिताजी का नंद बाबा का नाम नंद, वहां से ना लिया, बोले उनको पिता का नाम बोले परजन्य, ये रा शब्द लिया, जो क्री री में जो री माता है वो लिया श्री, उनको पिताजी के पिताजी। जैसे राम, राम जी का पिताजी का नाम क्या था, दशरथ, इसलिए द स र ये अक्षरों को लिया, इसलिए पहला अक्षर हो गया र। कहते उनको पिताजी का नाम बोले आज, आज इसे लिया अ, इसलिए इनका नाम हो गया रा म, ठीक है ना। ऐसे नाम हो, नहीं तो कम से कम तो ठाकुर जी का नाम हो, ऐसे नहीं टुल्लू बुल्लू टिंकी फिंकी सब नाम रखवा दिया बच्चों का, नहीं ऐसे नाम नहीं रखनी चाहिए। देखो
जैसे तुम नाम रखोगे ना, आप देख लेना, मैंने बहुत जगह पर देखा है जो बच्चों का नाम कोई उल्टा पुल्टा हुआ ना, बच्चा भी बड़े उद्यमी बने, बड़े उद्यमी होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का नाम ठाकुर पर नाम रखो तो वो बारंबार ठाकुर का नाम सुनते हैं ना, उसका कान भी पवित्र होता है, बोलने वाले पवित्र, उसे कल्याण कल्याण है, इसलिए मंगल भवन अमंगल हरी, ठीक है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। देखो इसका फल क्या हुआ, ये धुंधुकारी इतने बदमाश बना, पिताजी को इतने सताया, शाम होते ही 10-20 घर में शिकायत, तेरे बेटे मेरे पिता बच्चे को मार डाला, मेरे घर में चोरी किया, उसको घर में आग लगाया, मेरे बच्चे को कुएं में धकेल दिया। अभी शाम होते ही 10-20 शिकायत, अभी उसको याद आया, किसकी याद आई, संतों की। संत ने बताया था, देख बेटा संतान से तुम दुखी सुखी नहीं रहोगे, संसार से दुखी बनोगे, क्यों, तेरे भाग्य में लिखा हुआ है संतान नहीं, तुम जोर जबरदस्ती तुमने एक संतों का फल भी लिए, उसको भी पत्नी को दिया, पत्नी भी धोखे दी, इसलिए अभी जब बोल दिया था संत उसी समय तो माना नहीं, अभी देखा भैया संतो जो बोले थे सही बोले थे, मैंने तो बेटा नहीं, हम कभी कभी कहते हैं ना, लगता है बेटा नहीं, ये पूर्व जन्म का मेरे कोई शत्रु था वो बेटा बनकर आ गया, कौन था, अरे बोलो जोर से, पूर्व जन्म का कोई शत्रु था मेरा बेटा बनकर के आ गया। कभी कभी आप देख लेना जब बच्चा इतने उत्पात करने लग जाए, इतने उत्पात करते हैं, पूर्व जन्म का कौन सा हमने पाप किया जब ये शत्रु बेटा बन करके आ गया है। कभी कभी बात सही है, झूठ नहीं है, कभी कभी प्रतिशोध लेने के लिए बेटा ही शत्रु ही बेटा बन करके आ जाते हैं। इसलिए इतने में बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर के सोच रहे हैं मैं घर छोड़ करके चले जाऊं। लेकिन जो गोकर्ण बड़ा विद्वान ज्ञानी, इतने में गोकर्ण उनको बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने बात बताई, बोले पिताजी बोले न चंद्रस्य सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीव। बोले पिताजी न चंद्रस्य सुखम नास्ति, अगर कोई सोच ले अगर मैं इंद्र का राजा बन जाता ना, स्वर्ग चले जाता, सुखी हो जाता, ले पूछ लो इंद्र को कितना सुखी है, अगर थोड़ी सी कहीं भजन करना शुरू कर देना पहले ही इंद्र का आसन डगमगाने लग जाती है। इसलिए कहते राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु के भारी। लेकिन तुलसी दास विचार करे हरि भजन बिना सब दुख विकारी। इसलिए कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी राम सुखी राम का दास। लहे पिताजी स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं, बोले सुखी कौन है, बोले मुने जो भगवान की मनन करते हैं, जो भगवान की चिंतन भक्ति करते पिताजी वही सुखी है। इसलिए पिताजी कभी अंधकार रूपी जो मोह माया को परित्याग करो है, परित्याग करते हुए कहा जाओ वृंदावन में जाओ, संपूर्ण अनासक्ति होकर के दशम स्कंध को पाठ करो और संतों की अनुगत्य में भगवान की भजन करो पिताजी, तभी जीवन में शांति सुख मिलेगा। इतने में पिताजी घर छोड़कर चले गए, घर में माँ रह गई। एक दिन माया माँ को खूब पीटे, माँ जितने गड़बड़ी किया ना, माँ ही तो गड़बड़ी किया, अगर संतों का दिया हुआ फल खाते तो क्या होता, गोकर्ण जैसे बेटा होता। लेकिन इस संतों को उन्होंने धोखे दिए, धोखे दे करके फल को खिला दिया किसको, गैया को, और उसने दूसरे की बेटे को ला करके पालने किया है, पालने किया दोस्तों उसी की है ना, ऐसे पिटाई किया, ऐसे पिटाई किया, निकालो माल, पिताजी कहां पर छुपा कर गए माल, बोलो निकालो माल, पिता मैया को खूब पिटे, मैया दुखी होकर कुएं में आत्महत्या की। अभी घर में कोई नहीं, फिर उसने 5-5 वेश्या को बुलाया, 5-5 वेश्या को उसने बुलाया। देखो हमारे पास में भी वेश्या है, वेश्या किसको कहते हैं, अपना पति को छोड़ करके जो दूसरों को साथ में संबंध करता है वो वेश्या है।
बोले हमारे पास में भी पांच वेश्या, बोले कौन कौन, बोले चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा और त्वचा, ये हमारी पांच है। ये पांच इंद्रियां क्या करती हैं, जब ये सारी इंद्रियां अगर ये चक्षु अगर ठाकुर का दर्शन करे तो इसकी सार्थकता है। कान अगर भगवान की कथा सुने तो तभी सार्थकता है, हैं? नासिका जब ठाकुर जी के चरण तुलज को ग्रहण करे तो सार्थकता है ना। कहती ये जितने इंद्रियां जब ये भगवान की सेवा में लग जाए फिर ये इंद्रियों का सार्थकता है। लेकिन जब ये इंद्रियां ठाकुर को सेवा को छोड़ करके और कहीं आसक्ति हो जाए, भैया ये वेश्या। इसलिए भागवत में बताया जीवा असती दादुरी को उपगाय गुरुगाय गाथा। अगर ये जीवा कृष्ण कीर्तन छोड़ करके अगर दुनिया की अगर कीर्तन करे तो जैसे मेढक बरसात समय में टटर 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 करता है, सांप क्या करता है, आकर के निकल जाता है। अगर जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को छोड़ करके दिन रात दुनिया की बात को टटर 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 करते रहेंगे उसका जीवा कौन है, ये मेढक का जीवा है। हर एक दिन काल रूपी सर्प हमें निकल जाएगा। उसने पांच पांच वेश्या को पालन कर लिया। कोई बोलता है लिपस्टिक ला दो, कोई बोलती है मेरे लिए ऐसे कपड़ा ला दो, कोई बोलती है गहना ला दो, कोई बोलती है क्रीम ले आओ, कोई बोलती है मेरे लिए बड़े सुंदर सुंदर गहना हैं, गहना ले आओ। पांच इंद्रियां देखना हमको पांच तरफ में खींचती हैं। एक दिन राज दरबार में डाका डाला, बहुत पैसा को लूटपाट करके लाया। वेश्या ने देखा सवेर होते ही सियाग लग जाएंगे, अगर अब पकड़े गए ना हम सब के सब जेल चले जाएंगे। एक काम करो राता रात इसको मार डालो। एक साथ में उसको आक्रमण किया, गले में रस्सी बांध करके दो दो हाथ को पकड़ लिए, दो पैर को पकड़ करके, एक ने तो जलते हुए अंगार को मुंह में ठोस ठोस करके बड़े बुरी तरह से मारे और गड्ढा खोद करके काट दिया। चौपट चौपट हो गए। किसने बोला पति कहाँ है, बोले विदेश गया पैसा कमाने के लिए। लेकिन इधर क्या हुआ, ये प्रतापा बना घर में, जब गोकर्ण आया कभी हाथी बन करके कभी घोड़े बन करके कभी बिल्ली बन करके डराता है, ये डराता है। इतने में पूछा भैया तू कौन हो, क्योंकि ये तो भक्ति करने वाले ना भजन करने वाले, इनको तो कोई डर भूत पिशाच से कोई डर भैया ही नहीं, क्योंकि भक्ति करते भजन करते हैं। बोले भैया तू कौन हो, अभी वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसको तो प्रेत जन्म हुआ ना, प्रेत जन्म में कुछ बोल नहीं सकता है, चाहने पर भी कुछ बोल नहीं सकता है प्रेत जन्म में। इतने में उसने मंत्र पुत करके पानी लिया, उसको पर जब छिड़काव कर दिया पाप थोड़ा कम हो गया। बोले अहम भ्राता तो दी अस्मिन धुंधुकार इति नामिना। बोले भैया मैं तेरे भैया हूं, मेरा नाम धुंधुकार। बोले धुंधुकार ही, बोले हाँ। बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दिया मुक्ति नहीं हुई। बोले भैया मैंने इतना पाप किया है, मेरे नाम पर एक बार क्यों, मेरे नाम पर सौ बार भी पिंड दो तो मेरा मुक्ति होने वाले नहीं। फिर उन्होंने सूर्य देवता को पूछे, बोले इनको भागवत कथा सुना। सात कांठ का बांस गाड़ करके उसमें स्थापन कर दिया। पहला दिन एक कांठ चटक गई, दूसरे दिन दो, सात कांठ चटक गई। बड़े सुंदर विमान आया, बड़े सुंदर चतुर्भुज धारण करते हुए रथ में बैठ करके वैकुंठ जा रहा था। इतने में गोकर्ण ने प्रश्न किया, बोले रुक जाओ, बोले क्या बात है, बोले ये बताओ यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, आपने एक ही रथ क्यों लाया, सभी के लिए क्यों रथ नहीं लाया। बोले देखो यहाँ जो कथा है ना केवल एक व्यक्ति सुना। बोले यहाँ पर जितना लोग बैठे हुए, बोले कोई कथा नहीं सुने। बोले क्यों, कथा क्यों नहीं सुने। बोले देखो कथा सुनने का पांच नियम है, कितना नियम है, अगर ये पांच नियम को पालन करते हुए कथा सुनोगे फिर ये कथा का फल मिलेगा, नहीं तो कथा नहीं सुनेगा, नहीं मिलेगा। बोले पांच नियम क्या, देखो पहला नंबर लय। लय मतलब होता है सोना। देखना कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं वो आकर के देख देख करके बैठे हैं, कहां बैठने पर नींद बढ़िया आएगी, वो देख करके बैठते हैं। हाँ ऐसे ही देखो, ऐसे ही एक समय क्या हुआ, ऐसे ही एक व्यक्ति पूरा सामने, उसका एक पोता था
वो बाबा को लाकर के सीधा कथा को सामने बैठा देगा। जब ये कथाकार ओम अज्ञानतिमिरां दस्य बास सुर हो गया तो सो जाएगा। जब उन्होंने वृंदावन बिहारी लाल की जब बोलेगा ना नींद खुलेगा, बोले क्या कथा किया, बोले बड़ी प्यारी कथा, बड़ी सोनी कथा हो रही, लेकिन कथा एक भी नहीं सुने। अब देख लेना सुखदेव गोस्वामी इतने सुंदर कथा क्यों सुनाए, क्योंकि उसको जो सामने बैठे हुए थे परिचित थे, एक नंबर के श्रोता थे, एक टकटक लगा करके कथा सुनते थे। आप देखना सुनने वाले अगर बढ़िया हो ना वक्ता भी सुंदर सुंदर कथा सुनाएगा हैं, लेकिन वो सामने ऐसे व्यक्ति बैठता है बात सुनते ही लुढ़क जाए। अभी वक्ता परेशानी, एक दिन जो छोटा पोता था ना उसको बुलाया, बोले भैया ये बताओ तुम इनको क्यों रोज कथा में ले आते, बोले मेरे को दो दो रुपया देते हैं, बोले तू कहाँ जाते है, बोले खेलने के लिए, फिर जब कथा खत्म होता है ले जाता हूँ, बोले एक काम करोगे कल मैं तेरे को 4 रुपया दूंगा। लेकिन बाबा को पास में बैठे रहना, उनको एकदम झपक झपक लाने नहीं देना, बोले भैया 4 रुपया मिलेगा तो फिर खेलने क्यों जाऊंगा, बस बैठ गया बाबा को पास में, जब जब किया ना बैठा हुआ जब के तरह उनको एक मिनट भी सोने नहीं दिया, अब वो तो आराम से सो जाता था। उसने देखा इसको क्या हो गया, ये पास में क्यों बैठे करके मेरे को सोने ही नहीं दिया, बोले बेटा तू तो खेलने के लिए जाता था क्यों आज पास में बैठा है, बोले आप मेरे को 2 रुपया देता है ना, वो कथाकार बोलता है मैं 4 रुपया दूंगा आपको सोने नहीं दूंगा, फिर मैं खेलने क्यों जाऊं, बोले कल कल मैं तेरे को 8 रुपया दूंगा लेकिन मेरे पास में बैठना नहीं है। हाँ, इसलिए पहला नंबर सोता, पहला नंबर सोता, इसलिए कथा में सोनी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति था उनने सुना बड़ी सुंदर कथा होती है, अभी आकर के पेड़ में हिला देकर सो गया, सुनता था बड़ी सुंदर कथा, बड़ी सुंदर कथा होती है, इतने में एकदम मुंह को खोल करके सो गया था, एक कुत्ता आया पूरा टांग उठा करके ना उसको मुंह में बांस कर दिया, उसको मुंह में पेशाब कर दिया, कुत्ता का पेशाब किया। जब उसकी नींद खुली बोले कथा कैसे लग रहा था, बोले कथा तो बड़े खारी खारी लग रही थी, नमकीन नमकीन। इसलिए इसलिए कथा है ना, इसलिए कथा में नहीं सुननी चाहिए, ठीक है ना। बस वृंदावन बिहारी लाल की, ऐसे ही कथा होती थी। एक व्यक्ति को भी आकर के सो जाता था, सो जाता था। अभी कथा हो रही है, सब लोग बैठे हैं, सामने वो व्यक्ति बैठा हुआ, लेकिन उसका काम था कपड़ा का काम। अभी कथा में अगर सो जाता था, अभी सो सोकर स्वप्न देख रहा है, बोले क्या स्वप्न देख रहा है, बोले एक व्यक्ति कपड़ा खरीदी करने के लिए आया, स्वप्न देख रहा है और कथा में बैठा हुआ एकदम सो गया। इतने में कोई कपड़ा खरीदी करने वाला आए, बोले इसका मीटर क्या है, बोले 30 रुपया। इतने में जो खरीदी करने वाला है इसका 30 रुपया नहीं, इसका कीमत 10 रुपया। बोले नहीं केवल तेरे वजह से मैं 30 रुपया, लेकिन इसका कीमत 50 रुपया। बोले जो बेचते हैं ना देखना ऐसे ही होते हैं, बोले तेरे लिए 30 रुपया है, दूसरे के लिए तो 50 रुपया बेचता हूं। इतने में लेकिन जो खरीदी करने वाले बोले नहीं 10 रुपया, इसका ज्यादा हो ही नहीं सकता। बोले कोई बात नहीं, तेरे बात रहे मेरे बात रहे, ये 20 रुपया बस कैंची लगा दिया, कैंची लगा करके पूरा कपड़े को फाड़ दिया। कपड़ा क्या फाड़ेगा, उसको कंधे पर जो दुपट्टा था ना दुपट्टा भी फाड़ दिया। बोले भैया लाला को क्या हो गया, लेकिन सो सो करके दुकान में कपड़े बेच रहे थे। यहाँ पर कथा सुनने का पहला जो नियम है लय। अगर कथा में तुम सो गए तो फिर बताओ कथा क्या सुनो। उसको बाद में दूसरा नंबर है विक्षेप। विक्षेप का मतलब उसको ध्यान देकर सुनो। विक्षेप का मतलब होता है आप लोग देख लेना, जब हम गुरु मंत्र जप करने बैठते हैं, नहीं तो देखना जब माला लेकर के हम भजन करने के लिए बैठते हैं, आप देख लेना एकदम मन नहीं लगता है, ये माला खत्म नहीं हो रही है, रोटी ठंडा होती जा रही है लेकिन ये माला खत्म नहीं हो रही है। कहते भैया भजन करते समय अगर इसे छटपट छटपट करोगे ना फिर तुम्हारे भजन में मन नहीं लगेगा, भजन में सिद्धि नहीं होएगी। इसलिए कथा जब सुना बा भजन जब करो एकाग्र चित्त होकर के कथा सुननी चाहिए। इसलिए जो तीसरा नंबर है कहते रसा कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब होता है जैसे यहाँ कथा में बैठो, लेकिन शरीर तो यहाँ पर है
लेकिन जो मन मन में क्या सोच रहे हो, भैया उनका तो समय हो गया आने का, पतिदेव का अभी घर में बच्चा तो आ गया होगा, अभी घर में रोटी खाया कि नहीं, अभी उनके लिए रोटी बनाना पड़ेगा, हैं? पता नहीं घर में कोई घुसर नहीं गया, हम ताला बंद करके आए हैं। अगर यहाँ पर बैठे शरीर से, लेकिन ये मन अगर अपना घर में बैठा हुआ, अगर मन अपना काम कर रहे, दूसरे चीज को सोच रहे हो, कथा सुनने का फल तुम्हें नहीं मिलेगी। जैसे भरत महाराज भजन करने के लिए सब छोड़ करके तो गए भजन के लिए, लेकिन एक हिरण का प्रति आसक्ति हो गए तो क्या हुआ, दूसरे जीवन में हिरण बन कर गया। इसलिए ये दोष से दूर होना पड़ेगा। और कहते अभिनिवेश, अभिनिवेश कहते हैं रसास्वाद। रसास्वाद का मतलब होता है जैसे माला जप कर रहे हैं, इधर भगवान की कथा भी सुन रहे हैं, हाँ इधर जीवा भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, लेकिन ये मन मन महीना किसी रसमलाई दुकान, नहीं तो गोलगप दुकान में पहुंच गए, नहीं तो किसी मल में पहुंच गए, लेकिन वहां पर अरे वहां पर बड़ा सुंदर रसमलाई, नहीं तो बड़े सुंदर गोलगप, क्या आनंद, लेकिन बैठे हुए कथा में, लेकिन भजन कर रहे हो, लेकिन मन तुम्हारी और कहीं की आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे भजन करने से भजन का फल तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए कथा सुनने के लिए नियम है विश्वास गुरु वाक्य सो, गुरु को वाक्य के प्रति विश्वास होनी चाहिए। स्वस्मिन दीनत्व भावनम, कथा अहंकार से सुननी नहीं चाहिए। हनुमान जैसे दीनहीन होकर के एक मन से कथा सुनते हैं, कथा को सुननी चाहिए। विश्वास गुरु वाक्य सो स्वस्मिन दीनत्व भावनम मन दोष जय स्थितम, एकाग्र मन मन में कथायाम निश्चलामती, कथा को पूर्ण विश्वास करके कथा सुनेंगे तो फल मिलेगा। जो बोले ना बोले तो देखो यहाँ पर देखने के लिए तो सब बैठे हैं, लेकिन कथा केवल एक व्यक्ति मन से सुने हैं, बोले कौन, बोले धंधुधारी, इसलिए उसके लिए रथ आया, तुम लोग कोई कथा ही नहीं सुने। इतने में गोकर्ण ने बोले तुम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने घर बार छोड़ करके तीन तीन चार चार घंटा बैठे, लेकिन कथा का फल ही नहीं मिला, सब बेकार है ना। अगर घर छोड़कर यहाँ भी बैठे, यहाँ भी अगर दुनिया की बात कर रहे हो, फिर क्या हो गया, बेकार हो गया। बोले देखो ज्यादा दिन नहीं, केवल 7 दिन, कल से फिर मैं दोबारा कथा सुनूंगा, टाइम से आयो, एक मन से कथा सुना, कथा के बाद में सभी के लिए रथ आएगा, फिर तो रथ में बैठे करके हम सबके सब ठाकुर जी को धाम पे चले जाएंगे। 7 दिन नियम से कथा सुनो, हाँ इधर देखो कथा सुनते समय तो कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं घर में जा करके घर में जाते ही सास बहू बहू सास की चुगली करना शुरू कर दो, नहीं ऐसे नहीं। इसलिए घर में भी जा करके यहाँ तो कथा सुना, लेकिन घर में जा करके जो कुछ कर अपने हाथों से, जैसे रसोई बना रहे हो, क्यों किस लिए, ठाकुर का सेवा करना है। घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, ठाकुर के मंदिर में। बच्चे को थपथप लगा करके सुलाते हो, बच्चे किसकी है, ठाकुर जी की। जैसे गोपियां बच्चों को थपथप लगा करके सुलाती थी, इधर तक थपथप लगा करके सुलाती हैं, इधर मुंह में क्या करती है, हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब दो बार कथा सुना ना, सब एक मन से, जितने भक्त बैठे हुए थे सभी के लिए एक रथ आया, सबके सब रथ में बैठी करके भगवान को पास में चले गए। देखो हम भी कथा सुनते हैं, कथा को बाद में ना सबके लिए एक रथ आएगा लेने के लिए। अब जाओगे, अगर सचमुच से कथा के बाद में रथ आ गए, आप बताओ कौन कौन जाओगे, सही बताओ, बहुत अच्छे लोगों, भगवान को पास में जाओगे सबके सब। अगर सचमुच से रथ आ गया ना, सचमुच से, आप देखना मंदिर में एक व्यक्ति भी नहीं दिखेगा, सब भाग जाएंगे। बोले क्यों, बोले बेटे को रोटी कौन खिलाएगी, पति अभी ऑफिस से आने वाले हैं, पति अभी ऑफिस से आने वाले, उनको कौन भोजन कराएगी, देखना एक व्यक्ति नहीं, सबके सब यहाँ से भाग जाएंगे। देखो एक समय एक बुढ़िया थी, घर में कोई नहीं, ध्यान देकर सुनो, कोई घर में नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, पति नहीं, अकेले बुढ़िया,
दिन भर जंगल से बड़े कष्ट से लकड़ी को चुन चुन करके लाती है, सर पर ढो करके दो पैसा इनकम करके पेट पालती है। एक दिन कड़ी धूप थी, लाते 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 बीच में पटक दिया। बोले ये जब महाराज दुनिया को ले जाता है, मेरे को नहीं ले जा रही है। मेरे पति बेटे कोई नहीं, दुनिया को ले गया, मेरे को नहीं ले जाते जमराज। इतना बोलते ही सचमुच से जमराज आ गए। बोले क्यों माता जी, क्यों मेरे को बुला रही थी? बोले कौन है तुम? बोले अभी क्या बोल रही थी, सारा दुनिया को ले गया, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे को नहीं ले जा रही, मेरे को बुला रही थी। बोले कौन? बोले जम महाराज लेने के लिए आए। बताओ क्या चाहती हो? बोले ये गठली मेरे सर पर रह थे। जगत में कोई मरना नहीं चाहते हैं। कोई मरना चाहते हो? नहीं मरना चाहती है। इसलिए कहते बड़े आश्चर्य जीवित होने का बड़े तमन्ना जीविका, ठीक है ना। इसलिए सबके सब कथा सुने और सबके सब भगवान का धाम को गमन चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। एक भजन सुन, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिलंगे शनिवार तेरी शनिवारी में शीशा तेरी दरबारी में। जो भी ठाकुर जी के दरबार में रहना चाहते हैं तो ऐसे बैठे बैठे थोड़ी करेगा, क्योंकि आपको भगवान की कीर्तन में नाचेंगे। भक्ति का एक प्रमुख अंग होता है नृत्य करना, और इसके अलावा भी ये जो मौसम है सर्दी का, जिनको सर्दी लगी है सर्दी में छूट जाएगी। Yeah.
तेने ब्रह्मा जो आदि कवि जत सूर तेजो बारी मृदम जथा विधिमयो ज्ञान सदा निरस्तक सत्यम परम धीमहि। ये बच्चे किसके हैं? अपना बच्चों के पास में रखा करो, जैसे बोलना नहीं पड़े, अपने माँ के पास में जा। हरे कृष्णा, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ से पहले वो तीन श्लोक को द्वारा मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण मतलब क्या? आप कोई भी काम करो, अगर गुरु वैष्णव भगवान ये तीनों को स्मरण करते हुए कोई भी काम करो, वो काम जरूर मंगलमय होता है। इसलिए कहते मंगल भवन अमंगल हरि। इसलिए प्रथम जो श्लोक है वो ध्यान करते हैं। बोले किसको ध्यान करते हैं? बोले परम सत्य को ध्यान करते हैं। अब इसी विषय को लेकर बड़े लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ये प्रथम श्लोक में किसका नाम ही नहीं दी गई, केवल उनका गुण गुण ही बताया गया। इसलिए जो शंकर जी को पूजा करते हैं कहते सत्यम परम धीमहि कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी। लेकिन जो माँ की पूजा करते हैं कहते जगदम्बा जगत जननी सब कुछ है। जो गणेश जी की हनुमान जी की पूजा करते हैं बोले भैया दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान ही सब कुछ है। लेकिन इस किसका तो नाम नहीं दी गई। लेकिन हमारे संत लोग श्री वल्लभाचार्य कहते हैं जो प्रथम श्लोक है केवल श्री बांके बिहारी के लिए। बोले आप बांके बिहारी में कैसे लगाते हो? क्योंकि जब हम आगे सुनेंगे परसों जब ठाकुर जी मातृगर्भ में आए 33 करोड़ देवता एक साथ में जब गर्भ स्तुति की थी उसमें क्या बताते हैं? बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वम शरणम प्रपद्ये। बोले परम सत्य 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 बोल करके एक श्लोक में 9 बार उनने सत्य शब्द प्रयोग किया है। 9 बार उनने सत्य बोले। बोले भैया वो परम सत्य कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले ये कृष्ण कौन है? बोले जन्मादस्य जतः। बोले जिनके आदेश पर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, शंकर जी संघार और विष्णु जगत को पालन करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र। बोले अन्य और व्यतिरेक रूप में, अनुकूल और प्रतिकूल रूप में, ये विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है किसकी इच्छा से? हम कहते हैं ना ठाकुर के इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। किसकी कृपा से? बोले श्री ठाकुर जी की कृपा से। इसलिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को कानों में भगवान ये चतुश्लोकी रूप में ये भागवत को उन्होंने उनको कर्ण में प्रदान करते हैं।
अब ब्रह्मा जी चतुर्श्लोकी को प्राप्त करते हुए फिर उन्होंने गोपाल मंत्र को प्राप्त करके दुनिया को सृष्टि करते हैं। लेकिन जिनकी माया ऐसी माया है, बोले जिनकी माया में बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, हम आगे सुनेंगे जिनकी माया में स्वयं इंद्र मोहित हो गए। इसलिए इंद्र भी भगवान को समझ नहीं पाए, वो सोच रहे थे कोई ग्वालवाल होगा हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने इंद्र पूजा को बंद करा दिया, इंद्र तो गाली देने लगे कृष्ण को, मूर्ख स्तब्ध बालक अज्ञानी गाली देने लग गए, बोले ये ग्वाला को मैं दिखाता हूँ। इसलिए उन्होंने 7 दिन तक उन्होंने भारी बरसाया। लेकिन जब ब्रजवासियों ने कृष्ण शरण में गए, जैसे एक छोटा बच्चा छतरी को उठा लेता है, ऐसे ही कृष्ण उन्होंने बाम हाथ कनिष्ठ अंगुल में गिरिराज महाराज को उठा लिया, बोले गिरिराज महाराज की। इसलिए इंद्र भी जिनकी चरण में आकर के नाग रगड़ता है, ब्रह्मा भी कृष्ण जब सखाओं को साथ में बैठ करके सबको कन्या झूठन खा रहे थे, कहते कन्या मेरे मैया बड़ा सुंदर मालपुड़ा ला दी है, बोले तू अकेला खाओगे, कृष्ण छीन छीन कर खाते थे। कृष्ण बोला मेरे मैया तो बड़े सुंदर छाछ भेजी है, मटका में छाछ लाए। कन्या बोले भैया मेरे को इतने चोखो छाछ मेरे को भी पिलाओ, बोले तेरे को पिलाने का लायक पीने का लायक, पकड़ करके दोनों खेचादानी कर रहे थे। इतने में छलक करके छाछ जब सखा को छाती पर गिरा ना, इतने में कन्या तो जीम में चाट चाट कर चाट रहे थे, बोले बाप बड़े चोखो छाछ है। ब्रह्मा बोले भगवान ये कैसे भगवान, सखाओं का झूठन खा रहे हैं, मोह हो गया तो उन्होंने बछड़े सखाओं को चोरी किया। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मा बन करके ब्रह्म पद को दखल कर लिया। ब्रह्मा को जब ये बात पता चली, कृष्ण के चरण में नाक रगड़े, बोले हे प्रभु अगर ये पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकता है, लेकिन ये प्रभु तेरे माया को कोई पार नहीं पा सकता है, हैं? माया को नहीं पार पा सकता। उन्होंने भी कृष्ण के चरण में माफी मांगी। और ये 33 करोड़ देवता भगवान सबको भी छका छुड़ा दिए, बोले कब, इधर देखो माताओं का बड़ी बुरी भावना है, कौन कैसे साड़ी पहन कर आता है उधर देखते हैं, अगर हमसे कोई बढ़िया साड़ी पहन कर पास में बैठ जाए ना, बोले हमसे कैसे बढ़िया साड़ी पहन लिया, नहीं इधर देखो मेरे तरफ में देखो हरे कृष्णा। इसलिए बोले एक समय भगवान द्वारका में जब उन्हें 16,108 पटरानियों की शादी की, एक दिन सुधर्मा सभा में ठाकुर जी बैठे हुए थे, नारद गए थे स्वर्ग में, वहां से एक फूल लाए पारिजात फूल, ये जो फूल है इसकी इतने महिमा है, ये पारिजात पुष्प की एक फूल तुम जो कुछ मांगोगे, धन दौलत पुत्र परिवार खाना नृत्य वाद्य, एक फूल दे सकता है, वो फूल कभी नहीं मुरझाता है, अद्भुत फूल है। भगवान फूल लाए, ला करके कृष्ण को हाथ में पकड़ा दिया, बोले प्रभु आपका सब रानी यहाँ बैठे हुए हैं, आप जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते उसको दे दो। बोले हे भगवान ये कहाँ से आ गए लड़ाई लगाने के लिए, क्योंकि जब रुक्मिणी को पास में कृष्ण होते हैं ना, कहते रुक्मिणी तू जितने मेरी प्यारी और कोई इतना प्यारी नहीं, तेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन जब सत्य भाव के पास में जाते हैं उसको भी एक ही बात कहते, तू सबसे ज्यादा प्यारी मेरी हो। जब काली दी को पास में जाती है, बोले तेरे जैसे तो दुनिया में कोई है नहीं। पति लोग बोलते कि नहीं तुम लोगों को कभी कभी, अरे हाँ कि ना बोलते, बोलते नहीं बोलते है ना। इसलिए अभी इतने में क्या हुआ, कृष्ण बोले अभी तो सारे रहस्य प्रकाश हो जाएगा, अगर एक पत्नी को दे दिया तो सब मुंह फुला कर बैठ जाएगा। नारद जी बोले प्रभु जल्दी जल्दी दो, मेरे को जाना है, मेरे पास में समय नहीं। भगवान की सबसे जो पहला रानी रुक्मिणी वो पास में बैठी हुई थी, रुक्मिणी को उन्होंने फूल पकड़वा दिया, ए सत्यभामा कहा जाएगी, कदी जो सत्यभामा है ना ये राधा रानी की प्रकाश है, हैं? इनकी जो स्वभाव है मान करना बाम स्वभाव, और चंद्रावली की अंश से रुक्मिणी, इसका स्वभाव दक्षिणी स्वभाव। दक्षिणी स्वभाव मतलब होता है पति जो बोलता है जो मान ले, और बाम स्वभाव वाले ये होता है पति एक बोले पत्नी दूसरे करती है। ऐसे ही एक समय एक सेठ सेठानी थी, और सेठ जो बोले सेठानी उल्टा करेगी, सेठ जो बोलेगा सेठ सेठानी उल्टा करेगी, घर में रोज लड़ाई।
सेठ बोले क्या किया जाए, जो मैं जो बोलती हूँ उल्टी बोलती है, बोले अभी से उल्टी बोलेंगे तो सब सिद्धि होना हो जाएगा। कुछ घर में मेहमान आ गए, पति ने बोल दिया इन्हें खिलाने पिलाने की कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत, आ गए तो आ गए चले जाएंगे। बोले क्या आ गए, मैं खिलाऊंगी, मैं जरूर खिलाऊंगी, क्योंकि वो चाह रहे थे अगर मैं उल्टा जो बोलूंगा उल्टा करती है, अगर उल्टा बोले तो अपने आप में सीधा होने लग जाएगा। अरे जो सा आ गए, बोले सब तो मैं खिलाऊंगी, इतना किया 100 भी आ जाए खिलाऊंगी। बोले बढ़िया हो गया, बढ़िया से काम चल रही थी। एक दिन दोनों पति पत्नी गए, बोले अरे अंदर में मत जाओ, बड़ी तेजी जाए, बोले पूरी अंदर में जाकर गोता लगाऊंगी। इतने में जा अंदर में ज्यादा गई तो धार में बह गई, जब बह गई हल्ला हो गया, सेठानी बह गई। अभी जाल है, जाल को जो फेंक करके पकड़ते हैं वो बुलाए, जब बुलाए उन्होंने क्या किया, जाल को फेंकी, बोले उधर क्यों फेंक रहे हो, बोले क्यों, बोले उधर तो पानी बह कर गई ना, उधर गई हो, बोले नहीं वो जिंदगी भर उल्टी चलती थी, अभी भी उल्टी चलती होगी, पानी तो इधर भर जाओ इधर फेंको। इसलिए कहते जो जो बामा भाग जो स्त्री है ना वो हर समय उल्टी करती है। अभी राधा रानी की महान स्वरूपिणी है और उनकी अंश से कौन है, सत्यभामा। इतने में जब उन्होंने फूल दे दिया रुक्मिणी को, सत्यभामा को तो देखो तो सही, प्यार पटकती हुई मान करते हुई भी भरी सभा में चली गई। कृष्ण बोले नारद जी गड़बड़ कर दिए, कहां से फूल लेकर के आए। इतने में नारद जी इन्होंने कृष्ण मनाने के लिए गए सत्यभामा को, जो ऊपर हाथ रखना हाथ को फेंक दिए, बोले जैसे आप ऊपर काले हो उससे ज्यादा अंदर में काले हो, आप कहते थे तुमको मैं जितना प्यार करती हूँ दुनिया में और किसको प्यार नहीं करती, पूरा 16,108 पटरानी पूरा द्वारकावासी बैठे हुए थे, दुनिया को तो पता चल गया कि इसको ज्यादा प्यार करते हो, पता चल गया कि नहीं। कृष्ण बोले एक फूल के लिए तो मान की, अरे उसको तो मैंने एक फूल दिया, तेरे लिए तो मैं स्वर्ग से पारिजात वृक्षों को उखाड़ करके ले आऊंगा। बोले ज्यादा बोलो मत, जो एक फूल नहीं दे सके मेरे लिए वृक्ष तोड़ कर ले आएगी, क्यों इतना झूठ बोलते। बोले चलो, बोले चलो। इतने में कृष्ण गरुड़ को पीठ पर बैठाए और चले स्वर्ग में। इंद्र को एक वृक्ष मांगे, मेरी पत्नी मान की है एक वृक्ष दे। देखो ये देवता कितने स्वार्थी, ये चीज को समझो। एक दिन क्या हुआ था, स्वर्ग राज्य को बलि महाराज ने छीन लिया था, स्वर्ग राज्य को भगवान वामन अवतार में छल करके कपट करके उन्होंने भिक्ष मांग करके उन्होंने स्वर्ग राज्य को दिया है, बलि महाराज को उन्होंने, श्री किसको दिया, इंद्र को, बलि से इंद्र को दिया। लेकिन ठाकुर जी आज स्वयं एक वृक्ष मांग रहे हैं, इंद्र देने के लिए राजी नहीं हुए। बोले नहीं, इंद्र की तभी सौभाग्य वृक्ष से, अगर स्वर्ग से वृक्ष चला गया तो स्वर्ग का क्या महत्व रह जाएगा। बोले देखो अगर राजी खुशी में नहीं दोगे फिर तो पराक्रम दिखाऊंगा। बोले क्या कर लो, कर लो। इतने में कृष्ण जोर जबरदस्ती उन्होंने पेड़ को जाकर उखाड़ लिया, उखाड़ करके गरुड़ को पीठ पर रखे कर चलने लगे। एक साथ में 33 करोड़ देवता युद्ध करने के लिए टूट पड़े। इतने में भगवान कृष्ण अपना सारंग धनुष को उठाया, सबको परास्त करते हुए उन्होंने वृक्ष को उखाड़ करके ले आया, कहां लगा दिया, सत्यभामा के घर के सामने। सत्यभामा की आनंद की सीमा नहीं। फिर सब रानियों को बुलाती, बुलाओ, तुम लोग सोच रही हो कृष्ण रुक्मिणी को ज्यादा प्रेम करते, एक फूल दे दिया, अरे रुक्मिणी को तो एक फूल दिया, देखो मेरे लिए स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को उखाड़ करके ले आए, इसलिए किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, सत्यभामा दिखाती है मेरे को प्रभु प्रेम करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते जिनकी माया ऐसे है, जहां पर सारे मुह्यंति जद सुरयो, बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी माया से मुग्ध हो जाते हैं, ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कहते तेज बारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा। कहते भगवान की ऐसे माया है, ऐसे है तेज बारी मृदाम जथा विनिमयो। देखना आप कभी कभी गाड़ी में चलते हुए धूप में जाते होंगे, देखना दूर से पिचू रोड में आप देख लेना, जैसे वहां पर रोड है लेकिन दूर से लगता है जैसे पानी, लेकिन जब पास में जाओगे ना देखो पानी नहीं है वहां पर, और धूप से ऐसे दिखता है। इसलिए कभी जल में स्थल और स्थल में कभी कभी जल की भावना होती है। कहते उसी तरह भगवान निर्गुण है, भगवान ये माया से अतीत भगवान है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है जैसे भगवान घर घर में चोरी करते हैं। इसलिए मैया पूछा लाला
तेन मक्खन खाई। कृष्ण क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो। कृष्ण ने भी मिट्टी खा लिया पूरा का पूरा। मैया पूछी लाला मिट्टी खाई, बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब के सब झूठ बोलते हैं। बोले तू एक सत्यवादी हरिश्चंद्र था, ये सब के सब झूठा है। बोले हाँ मैया सब झूठे हैं। कहते क्या दाऊ भी बोलता है, बोले हाँ मैया ये ऊपर में दाऊ भैया लगने में लगते हैं गोरो गोरो, लेकिन अंदर में बड़े कारो हैं। लेकिन मैया मैं तो ऊपर में कारो हूँ, लेकिन अंदर से बड़ा गोरो हूँ, अंदर से बड़ा गोरो हूँ। इसलिए कभी कभी दिखता है भगवान जैसे झूठ बोलते, लेकिन झूठ नहीं, भगवान कभी झूठ बोलते नहीं है। इसलिए कभी कभी भगवान में जैसे लगता है जैसे, लेकिन ऐसे नहीं। ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र को हम सब के सब प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन हमारे जो रसिक संत लोग क्या कहते हैं, कहते क्या केवल प्रथम श्लोक में जो उन्हें ध्यान करते कृष्ण को नहीं, बोले नहीं अकेले कृष्ण को ध्यान नहीं करते हैं, उसको साथ में श्रीमती राधा रानी को ध्यान करते हैं। क्योंकि वृंदावन में जाओ तो वृंदावन में कौन कौन गए हो, कौन कौन गए हो वृंदावन? अरे हाथ उठा, कोई गई नहीं, कोई गई नहीं वृंदावन, गए सबके साथ? हाँ दो तो हाथ उठा। इसलिए आप देखना वृंदावन में सबके सब किसका नाम लेते हैं, अरे जोर से बोलो और जोर से। इसलिए कहते राधे के बगैर कृष्ण आधे हैं। इसलिए कितना राधे राधे रोटो चले आएंगे बिहारी। इसलिए राधा रानी की कृपा के बगैर कृष्ण को कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हैं? इसलिए प्रथम श्लोक में केवल श्री राधा कृष्ण को नहीं, कहते देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका परा देवता, कृष्ण की जो पराशक्ति कौन है श्रीमती राधा रानी को ध्यान करते हैं। इसलिए हमारे रसिक टीकाकार कहते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु अनाश्रित वृंदा वनम तत् अटविन असंभाष्य तद भाव गंभीर चितान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगा। यहाँ पर कहते हैं अगर किसको कृष्ण भक्ति पाना तो पहले तीन चीज को अपनाओ, फिर कृष्ण भक्ति मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगी। बोले तीन चीज क्या? हाँ अच्छा तरह सुनो, कल मैं सब पूछूंगा तीन चीज क्या है। तीन चीज अपनाओगे तभी कृष्ण मिलने वाले। जैसे कृष्ण तीन जगह से टेढ़े है ना, उनका वृंदावन धाम देखना, वो भी तीन जगह से टेढ़े है, गए कि नहीं गली गली सब देखोगे, और उनका नाम भी देखना बड़े टेढ़े हुए कृष्ण। जब तक जीवा तीन बार पलट नहीं जाए कृष्ण नाम नहीं निकलता है। अरे कृष्ण देखने में तीन जगह से भी टेढ़े, कांधे से छाती से कमर से तीन जगह से भी टेढ़े हैं, उनका नाम भी टेढ़े सब। इसलिए भक्त लोग कहते हैं तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी देखना कोई सीधा चीज अंदर जाए तो निकल आएगा, लेकिन कोई टेढ़े चीज जाए तो सहज में निकलेगा और निकलने वाले नहीं। इसलिए कृष्ण टेढ़े हैं, जिसकी हृदय में कृष्ण एक बार प्रवेश कर जाए, कृष्ण ऐसे टेढ़े है ना भैया, उसको हृदय से सहज में कृष्ण निकलने वाले नहीं। इसलिए कृष्ण तीन जगह से कृष्ण टेढ़े हैं। इसलिए कहते भैया अगर वो टेढ़े टांग वालों को अगर पाना चाहते हो क्या करनी चाहिए, पहले तीन चीजों को अपनाओ फिर कृष्ण को वशीभूत कर सकते। वो तीन चीज क्या है, बोले प्रथम चीज ये ध्यान रखना, कल पूछूंगा।
पहला नंबर है अनाराध्य राधा पदा भोजन। सर्वप्रथम राधा रानी की चरण की धूल को आश्रय करो। दूसरी चीज क्या, राधा रानी के चरण के द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को आश्रय करो। बोले तीसरी चीज क्या, राधा जी की प्रेम रस में भक्ति में जो डूबा हुआ साधु संत हैं, बोले भैया जब तक उनका आश्रय ग्रहण नहीं करोगे, भैया कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण मिलने वाले नहीं। इसलिए कृष्ण रूपी मतवाला हाथी, वो हाथी को कौन कंट्रोल कर सकती है, बोले राधा रानी ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उनको कोई भी कंट्रोल करने वाले नहीं। बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए प्रथम श्लोक में केवल कृष्ण नहीं और राधा रानी को साथ में कृष्ण को वंदना करती है। इसका मतलब है अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, कृष्ण को साथ में जरूर श्रीमती राधा रानी होनी चाहिए। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अकेला माधव पूजे सो अज्ञानी, अकेले कृष्ण को जो पूजा करता है वो अज्ञानी मूर्ख है। बोले भैया अगर तुमको प्रेम रस पाना है ना, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना जो अकेले कृष्ण को पूजा करने वाले हैं। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं बोले राधा कृष्ण प्रायण मोर जो गल किशोर जीव हरे महारानी गाते आर नाही मोर ओ राधा कृष्ण प्रायण मोर जो गल किशोर जीव हरे महारानी गाते आर नाही मोर। कब ऐसे आएगा, बड़े सुंदर रत्न सिंहासन के ऊपर में हम राधा कृष्ण को विराजमान करते हुए सुंदर फूलों की माला बना करके दोनों को गला में पहनाऊंगा। कब ऐसे आऊंगा जो कि झूला में बैठा करके राधा कृष्ण जुगल को हम झूला पर झुलाएंगे। कब ऐसे दिन आएगा जब राधा कृष्ण को प्रेम को ही हृदय में धारण करूंगा, ठीक है ना। इसलिए हमें अनुपम माधुरी जोड़ी मेरी श्याम श्यामा की, इसलिए दोनों को हमें भक्ति करनी चाहिए। बोले श्रीमती राधा रानी की। जो दूसरा श्लोक है, बोले ये दूसरा श्लोक है, ये भागवत प्रतिज्ञा करता है, हैं कहते अभिधेय। अभिधेय मतलब होता है भगवान को पाने का प्रोसेस क्या है। बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र परम निर्मत शरणम सताम वेद्यं वास्तवम वस्तु सीवदम तापोत्रयोन मिलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर सद्य हृदय अवरुद्धते पृथ्वी सुश्रुषुभि तत्क्षणात्। कहते दूसरे श्लोक में कहते हैं बोले धर्म प्रजित कैतव अत्र, बोले अगर कोई भगवान को पाना चाहते हैं, हैं ये जगत में तीन चीज को दुनिया जानता है। पहले कैसे पैसे कमाओ, पैसे का द्वारा दान पुण्य करो, करने क्या होगा स्वर्ग जाएंगे, फिर स्वर्ग जाकर क्या होगा भोग करेंगे। ये तीन चीज से ऊपर ज्यादा लोग कुछ नहीं जानते, पैसा कमाओ दान पुण्य करो और भोग करो, इसको ऊपर में कुछ नहीं जानते लोग। हाँ अगर कोई विरल व्यक्ति हो तो इसको थोड़ी ऊपर जाते हैं, क्या हमें संसार से मुक्ति मिली जाए, संसार से हमें ये दुख कष्ट से मुक्ति मिली जाए। लेकिन भागवत में ये चारों चीज को निकाल दिया, जिसमें केवल भगवान की प्रेम भक्ति, भगवान की चरण में हमें सेवा प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त हो। इसलिए धर्म प्रजीत कैतव अत्र परम निर्मत शरणम सताम। बोले ये भागवत धर्म किसके लिए, कर जिनके हृदय में कोई छल कपट व हृदय में कोई द्वेष ईर्षा नहीं, जिसके हृदय में कोई मात्सर मत्सरता, मत्सरता मतलब क्या है, ये हमसे कहीं बड़ा नहीं हो जाए, यही मत्सरता। आप देखना अपना दुख में, ध्यान देकर सुनो, हम अपना दुख में जितने दुखी नहीं, दूसरों का सुख में उतने दुखी है, उसका इतना नाम क्यों होगा। हम बाइक में चल रहे हैं, देखो हमारे सामने वो कार में चल रहा है, हमारे एक तला बिल्डिंग उसका देखो तीन मंजिली हो गई है ना। इसलिए देखना हम अपना दुख में ज्यादा दुखी नहीं है,
दूसरे के सुख में ज्यादा दुखी है, है? इसलिए कहते दिसी देश में जिसी बेस में परिवेश में रहो और राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, ठाकुर जी जिसी अवस्था में रखे उसी में ही खुश रहो, उसी में ही खुश रहो। अगर किसको अगर देखते हो किसके पास में कोई है, कोई बाइक में घूम रहा है, ये तुम मत देखो आगे व्यक्ति कार में घूम रहे, नहीं तुम देखो मैं तो बाइक में घूम रहा हूँ, देखो एक व्यक्ति साइकिल में भी चल रहा है, उसका काम चल रहा है कि नहीं भैया? अभी तो साइकिल में चल रहा है, अरे कम से कम हम तो बाइक में चल रहे हैं। इसलिए तुम्हारी ऊपर व्यक्ति को मत देखो, तुम्हारी नीचे व्यक्ति को देखो, तब प्रसन्नता रहोगे, नहीं तो क्या होगा, फिर दुखी दुखी हो जाओ। इसलिए कहते जिसके हृदय में कभी मात्सरता नहीं, मेरे से कोई बड़ा नहीं होनी चाहिए, मात्सरता शून्य हृदय में होनी चाहिए, उसी के लिए ये भागवत धर्म है। और भागवत में क्या बोलते, बोले भागवत में बताए धर्म प्रोजीत गैतवत्र परम निर्मत सरणाम सताम, कि जिसके हृदय में निर्मत सर हृदय उसी के लिए ये भागवत, बोले वेद्यम वास्तवम वस्तु शिवदम, भागवत में जो वास्तव धर्म है जीव का इसको वर्णना किया। और ये भागवत कथा की इतने महिमा, इतना महिमा, हाँ ध्यान देकर सुनो, जैसे मंदिर में कथा हो रही है, अभी घर से नहीं आए, घर में बैठे हो, पता चला कहीं कथा हो रही है, अगर हृदय में इतनी सी भावना आ गई मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, नहीं तो इतना कोई बोल दे भागवत कथा हो रही है जा तू कथा सुन कर आ जा, घर का काम काज को मैं संभाल लेती हूँ। अगर इतना अगर किसी हृदय में भावना हो जाए, केवल सुनने की इच्छा हो जाए, उसी समय में ही ठाकुर आकर को हृदय में ऐसे बंध जाते हैं जैसे एक व्यक्ति खुद एक घर में जाए और अपनी आप को अंदर से कुंडी लगा दे, अपनी आप को कुंडी लगा दे, कहते केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही ठाकुर जी उसके हृदय में ऐसे बैठ जाते हैं, ठाकुर जी का हृदय से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, स्थान नहीं मिलता है, निकल नहीं पाते, उसके हृदय में बैठ जाते हैं। अगर सचमुच से कोई घर बार छोड़ करके आ गए कथा में बैठ गए तो देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होइ, अति हरि अति हरि कृपा इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर कौन कौन आए हो, ये चीज को शंकर जी कहते पार्वती, सभी व्यक्ति कथा में नहीं आ सकते हैं, सभी नहीं आ सकते, बोले कौन कौन आ सकते, बोले अति हरि कृपा जा पर होई, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की डायरेक्ट कृपा हो गई पार्वती, वही लोग ही कथा में आ सकते। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई, आप देखना अगर किसको पता चलता है यहाँ पर हेमा मालिनी आएगी, अमिताभ बच्चन आ रहा है, शाहरुख खान आ रहा है, आप बताओ कितना लोग होते होता, अरे बोलो कितना लोग होते, जगह होता, हजार रुपया टिकट देने पर भी यहाँ पर कोई जगह नहीं मिलता यहाँ, है ना? लेकिन भागवत कथा हो रही है, किसको बोलो, अरे ये काम हो गया था, वहां जाने का था, घर में ये दिक्कत था, कितने बहाना करेंगे, लेकिन ये सब चीज पर कोई बहाना नहीं करते। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती फिर ये कथा में कौन आ सकता है, बोले वही आ सकते हैं जिसको अगर मैं ठाकुर का बड़ी कृपा, उदाहरण दिया जैसे आपका घर में शादी हो रही है, आप बताओ शादी में कौन आएगा, आप जिसको निमंत्रण कार्ड दोगे,
अगर तुम्हारी घर वाले कोई विदेश में होगा, अमेरिका में कई विदेश में होगा, अगर निमंत्रण दोगे तो देखना वहां से आएगा। लेकिन तुम्हारी घर के पास वाले 9 इंच दीवार के पास में कोई रहता है, अगर आप उसको निमंत्रण नहीं दोगे, व्यक्ति घर में आएगा? अरे आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप उसको बुलाया नहीं। लेकिन वो विदेश में रहने पर ही आया, क्यों? आप उसको बुलाया। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, ये कथा में जो आए हैं बांके बिहारी उनको निमंत्रण दिया है, बांके बिहारी उनको निमंत्रण दिया है। अभी तो निमंत्रण देने का जरूरत नहीं, फोन हालो कर दो हो जाएगा, है ना? लगता है आपके पास में ठाकुर जी को फोन आया ना, देखो फोन नंबर आया होगा, जानते हो ठाकुर का फोन नंबर क्या? सुन लो, अगर कभी ठाकुर जी को बुलाना है ना, फोन करना, तो नंबर सुन लो, 108। क्या है 108? मतलब क्या है कि जो हम माला जप करते हैं ना, उसमें 108 मोतियां हैं, इसमें 108 मोतियां हैं। इसमें जब हम हरे कृष्णा, एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, जोर से राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहती है ठाकुर जी का फोन नंबर है, मतलब जब भगवान का नाम जब करते हो ना, कितना हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। बोले द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आ गई घनश्याम, बोले डल जल डुबत गज राज पुकारा, आए आधे नाम। जब गज को मगरमच्छ ने पकड़ कर खींचते हुए ले जा रहा था, उसने नारायण नहीं केवल नारा केवल दो अक्षर बोलते ही सुदर्शन चक्र आकर के मगरमच्छ के गला को काट दिया है। इसलिए हनुमान भगवान राम को लंका जाने के लिए पुल की जरूरत पड़ी, हनुमान को पड़ा जय श्री राम है, बोलो जय श्री राम। बस प्रभु का राम राम बोल दिया तो बस समुद्र का लांग दिया। इसलिए भगवान का ये फोन नंबर है, ठीक है? इसलिए कहते हैं यहाँ पर कौन कौन आए, जिसको बांके बिहारी ने जिनको निमंत्रण दिया, वही व्यक्ति ही आज यहाँ पर आए हो। इसलिए यहाँ पर कहते सुश्रुषु भी तत्क्षणा, कहते कथा में कौन आ सकते हैं? बोले सभी नहीं आ सकते, सभी नहीं आ सकते, सुश्रुषु भी, जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ हो, वही व्यक्ति ही कथा रूपी गंगा में वही गोता लगा सकते हैं। सभी नहीं गोता लगा सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हमने तो कोई पुण्य ही नहीं किया, आप गए तो जो पुण्यात्मा ही कथा में आएंगे, हम तो जिंदगी भर पाप ही पाप किया। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं बस केवल आओ और बैठ जाओ। अरे धुंधुकारी जैसे व्यक्ति जिसका नाम पर एक बार पिंड नहीं, कहते मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड देने पर भी जिनकी मुक्ति नहीं मिला, मुक्ति मिली तो कैसे मुक्ति मिली? केवल श्री भागवत कथा से, केवल श्री भागवत कथा से ही उनको संसार बंधन से मुक्ति मिली। इसलिए जो बड़े पुण्यात्मा वही कथा सुनने आ सकते हैं। इसलिए भागवत का जो तीसरा श्लोक है, वो तीसरा श्लोक आशीर्वाद देता है। कहते भैया भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है? कहते सुनो ध्यान दे करके, ये जो भागवत नहीं, हम कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हैं। कल्प वृक्ष कहते हैं किसको? बोले जिसको नीचे बैठो, बैठ करके जो मांगो, 7 दिन तक आप देखना, अगर नियम से कोई कथा सुने, मैं जैसे नियम बताया कि कोई किसकी चुगली नहीं करना, ठीक है ना, सास बहू बहू सास की चुगली नहीं करनी, 7 दिन तक चुप रहना और जीवा को गांठ बांध देना। देखो ये महाभारत की हुई है, ये जुहा की वजह से। गुरुदेव कहते थे हाथ में हड्डी इसलिए सीधा हो जाता है, अंगुल में हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी सीधा हो जाता है, टांग में हड्डी चलते हो, हड्डी किसमें नहीं? जीव में नहीं। मैं देखता हूँ यहाँ भी कोई बैठ बैठ कर लपड़ लपड़ कर रहे हैं, यहाँ भी चुप नहीं बैठते कथा में भी। इसलिए केवल हड्डी किसमें नहीं, ये जीव में केवल हड्डी नहीं भैया, इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं बाच वेगम,
ये जीवा भेद को कंट्रोल करना बड़ा कठिन, ठीक है ना। 7 दिन तक क्या करना, 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, ठीक है, पर निंदा पर चर्चा नहीं करना, ब्रह्मचर्य रहना, सीधा साधा भोजन खाओ, साधारण बिस्तरा में लेटो, ठीक है, एकदम नियम से, अगर हो सकता है एक बार फलाहार एक बार भोजन करो, और कथा ठीक से नियम से सुनो, हर अक्षर को ठीक ठीक से पालन करो। इसलिए 7 दिन में जो कुछ मांगोगे ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष समस्त इच्छाओं को ये पूरी कर देगी, सारी इच्छा को। इसलिए कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, साधारण नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, ये कल्प वृक्ष कैसे है, बोले एक समय कोई एक राजा वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, चलते चलते बहुत दूर तक चला गया था, इतनी जोर से उसको प्यास लग रहा था, उसने रास्ता भटक गया, एक वृक्ष को पता नहीं था ये वृक्ष कल्प वृक्ष, वृक्ष को नीचे बैठ गया, लेकिन वो वृक्ष था कल्प वृक्ष। इतने में सोच रहा है अगर मेरे राजमहल में होता है, मेरी रानी, मेरी कितने दासियां, कितने सुंदर सुंदर जूस लेकर के आते, हम उसको पान करता, इतना इच्छा करते ही स्वर्ग से बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर नारी आ गई, सुंदर सुंदर शरबत लेकर, बोले बाबा महाराज पियो, बोले वाह इच्छा करते मिल गया। फिर सोच रहे हैं अगर राजमहल में होता तो रानी छापान भोग छत्री से व्यंजन सजा करके लाती, वो इच्छा करते आ गया। बोले अगर राजमहल में होता तो बड़े सुंदर गजजत पलंग के ऊपर में झांक जैसे बिस्तरा के ऊपर में लेटा, देखते सचमुच से आ गया। अभी जो बोले वही इच्छा हो जाता है, जंगल में तो शेर रहते हैं, इतने में शेर ने दहाड़ मारी, मारते ही बोले हे भगवान ये तो जंगल है, ये शेर नहीं आ जाए, सचमुच से देखते ही ना शेर आ गया, बोले ये शेर हमें खा नहीं जाए, इतना सोचते ही शेर आया, धड़ा धड़ पकड़े और उसको खा गया, देखो शेर आ गया। इसलिए कहते कल्प वृक्ष मतलब होता है जो मागत में वही मिल जाएगा, इसलिए हम कथा नहीं कल्प वृक्ष को नीचे बैठे, लेकिन एक चीज को सावधान कर रहे हैं, बोले क्या सावधान, छोटे मोटे चीज मत मांगो, छोटे मोटे चीज को मत मांगो, मांगना तो भगवान की प्रेम और भगवान की भक्ति मांगो, जो प्रेम भक्ति पाने से इसी जीवन में सुखी और उसको बाद में तो आनंद ही आनंद है, भगवान की धाम में जा सकते हो। बस ये वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे प्रभु जी आपको जो तीसरा नंबर जो मंगलाचरण हमारे प्रभु जी आपको सुनाएंगे, ठीक, ध्यान देकर सुनो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञालाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्वेदं भागवतं रहस्य जटिलं क्लिष्टं समुद्रायितं क्वाहं श्रीहरि भक्ति गंधरहितो शठोलं पटः किन्तु श्रीभानु आत्मजया करुणया दृष्टो महिष्ठासने त्वत्पादाश्रयतो लपामि मनसा मत्साहसं क्षम्यताम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सब लोग हाथ उठाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया हो बहना हो, प्रसाद की व्यवस्था है, चिंता मत करो, तो कुछ तो उपक्रम करो, कुछ तो थोड़ा देर, आज एकादशी है,
व्रत किया है तो फिर भी ढीले ढाले क्यों भाई? जोर से हरे सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म पदवाक्य प्रमाण बारावार पारिणा श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीलालीन ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर जयुक्त हो, उपस्थित गुरु परंपरा जयुक्त हो, उपस्थित यहाँ समस्त वैष्णव और वैष्णवी माता पिता गुरु भाई सब के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देखो भाई मैं तो थोड़ी देर ही कथा सुनाऊंगा, उस थोड़ी देर में बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल शांत है ना, क्योंकि गुरु महाराज तो फिर भी छोड़ देते हैं, पर अगर आप लोगों में से किसी ने बात करी तो जो प्रसंग मैं चल रहा हूं वही खड़ा होकर के उसको यहीं लेकर के माइक दे करके बुलवा लूंगा। इसलिए आप लोग श्रद्धा से और बहुत आराम से, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आराम से सुनना। हरे कृष्णा। भगवान की महती कृपा से, भगवान की महती कृपा से, गुरु गौर की महती कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को भागवत जी के इस दिवस में कथा सुनने का और कहने का श्री गुरु महाराज जी की कृपा से सत्सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देखिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप लोग खोड़ा में ऐसा तो नहीं है केवल जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं केवल उतने ही लोग हैं खोड़ा में, ऐसा थोड़ी है, बहुत लोग रहते हैं ना खोड़ा में, लेकिन भगवान ने केवल आप लोगों को ही चुना है, भगवान ने केवल आप लोगों को ही चुना है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं जिसके कल्याण का संकल्प ले लेते हैं ना भगवान कि हाँ भाई इसी ही जन्म में इस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, तो उसका प्रमाण क्या है, तो क्या करते हैं भगवान, बोले भगवान उसको भागवत की कथा में भेज देते हैं कि इसी जन्म में उसका कल्याण हो जाए, और इसी जन्म में आप लोग का कल्याण हो जाएगा, इसीलिए आप भागवत जी में आए हैं और यही प्रमाण है। देखिए भगवान महती, भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तब भगवान की कथा को श्रवण करने का सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। हनुमान जी है सामने, हनुमान जी दिख रहे हैं कि नहीं, सबको दिख रहा है ना हनुमान जी, हनुमान जी का दर्शन हो रहा है। हनुमान जी के लिए शब्द आते हैं हनुमान चालीसा में, हनुमान जी के हृदय में श्री सीताराम जी बैठे रहते हैं, विराजमान रहते हैं। जानते हैं क्यों, क्यों रहते हैं बताओ? राम लखन सीता तीनों के तीनों भगवान हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु चरित सुनी पे को रसिया, राम लखन सीता हाँ। क्योंकि प्रभु चरित सुनी पे को रसिया, हनुमान जी इतनी मस्ती के साथ, हनुमान जी इतनी मस्ती के साथ भगवान के चरित्रों को सुनते हैं कि भगवान रीझ जाते हैं और भगवान उनके दिल में आकर के बैठ जाते हैं, और जब दिल में आकर के हनुमान जी राम जी बैठ गए तो फिर चकाचकी हो गया। ऐसे ही जब श्रोता भगवान की कथा को श्रवण करता है तो भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, ये भगवान की कथा का चमत्कार है। भगवान की कथा और दूसरा भगवान का नाम। देखो भैया हनुमान जी के पास एक रसायन है, क्या है रसायन जानते हो क्या? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास।